सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको सेल टैक्स का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में इजी एग्जांपल के साथ और लॉजिक्स के साथ बताऊंगा। कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। अ सेल टैक्स इज अ टैक्स पेड टू अ गवर्निंग बॉडी फॉर द सेल्स ऑफ अ सर्टेन गुड्स एंड अ सर्विसेज। यूजुअली लॉ अलाउ द सेलर टू कलेक्ट फंड for the tax from the consumer at the point of a purchase. Sale tax simple word में कहा जाए जो एक government, जो एक business, जो एक company, जो एक industry जो अपनी product बनाती है या services provide करती है public में और product बनाकर market में बेचती है, उस पर sale जो करती है, उस पर जो tax लगता है उसको हम कहते हैं sale tax। दोबारा repeat करता हूँ, simple सी बात है, जो company या कोई business जो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रहा है या लॉन्च कर रहा है, जो लोगों को इन्वेंट्री जो उसने बनाई है, सेम चीज़ होती है प्रोडक्ट और इन्वेंट्री और स्टॉक। तो ये जो मार्केट में बेच रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सेल कर रहा है, इस पर जो टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पे जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं सेल टैक्स। ये गवर्नमेंट को हमने ये टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट को हम इसलिए पे करते हैं, गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट टैक्स की कलेक्शन कर अपना निज़ाम चलाती है, मतलब अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरीज देती है, लोगों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करती है, लोगों मतलब लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्टिंग स्कूल्स प्रोवाइड करती है। तो ये जो रेवेन्यू लेती है ना गवर्नमेंट टैक्स, ये हाँ लोगों पे ही स्पेंड करती है। वो अलग बात है कि करप्शन हो जाती है जिसकी वजह से एक हमारे इंडिया पाकिस्तान जो है डेवलप नहीं कर रहे, मतलब तरक्की नहीं कर रही, ये सारे लीडर की वजह से करप्शन होती है, इसकी वजह से वो इतने अच्छे से हमारी कंट्री जो है डेवलप नहीं कर रहे। आगे ये जो गवर्नमेंट जो है सेल टैक्स लेती है गुड्स और सर्विसेज पे, तो अब ये जो ऑनर जो कंपनी के जो प्रोडक्ट मेकर हैं, जो प्रोडक्ट बनाकर या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टैक्स किधर से कवर करते हैं? ये लॉस में तो नहीं ना जाएंगे? मतलब 50 रुपये की प्रोडक्ट है, 20 रुपये गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया है, तो कितना टोटल हो गया? 70 रुपये। तो ये जो कंज्यूमर है उससे 90 रुपये कस्टमर जो है या कंज्यूमर है जो खरीदने वाला बायर है उससे 90 रुपये चार्ज करेंगे, 80 रुपये चार्ज करेंगे, 100 रुपये चार्ज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है वो कितनी प्राइस चार्ज करेंगे, पर 70 रुपये नहीं चार्ज करेंगे, 70 से ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने बीच में टैक्स भी डाला है। तो टैक्स किसने पे किया? हम लोगों ने, अवाम ने पे किया। तो मतलब ये जो टैक्स होता है ये सारा अवाम ही पे करती है। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।